Stanley on Bible presents Sound Doctrine, Swasth Siddhant, Lessons prepared by R. Stanley, a building engineer turned Bible teacher. तैयार किए गए पाठ द्वारा आर स्टैनली, भवन इंजीनियर बने बाइबल शिक्षक. वेलकम टू द साउंड डॉक्टर टेलीकास्ट. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. प्रेज गॉड फॉर द होली बाइबल. पवित्र बाइबल के लिए परमेश्वर की स्तुति हो. द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू फोल्ड. इस कार्यक्रम का उद्देश्य दो बातों में बता सकते हैं. नंबर वन, टू हेल्प यू एस्केप द फ्लड्स ऑफ फॉल्स डॉक्ट्रिन. पहली बात तो ये कि झूठी शिक्षाओं की जो बाढ़ आई है उससे आपको बचा लें. नंबर टू, टू एनेबल यू टू एम्ब्रेस द साउंड डॉक्ट्रिन ऑफ गॉड्स वर्ड. और दूसरा ये है कि परमेश्वर के वचन में जो खरा उपदेश है उसे आप ग्रहण कर सको. अंडर गॉड आई प्रिपेयर्ड 200 corrective Bible lessons from the beginning of Christian life to the end of physical life. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने मसीही जीवन के शुरुआत से लेकर शारीरिक जीवन के अंत तक सुधारने वाली 200 पाठों को तैयार किया है. I taught these 200 lessons in a weekly telecast from 2008 to 2013 from English to Tamil. और सन 2008 से 2013 के बीच में साप्ताहिक प्रसारण के दौरान अंग्रेजी से तमिल में इन बातों को मैं सिखाता रहा हूं. आई ऑलवेज प्रीच एंड टीच इन इंग्लिश विद साइमल्टेनियस वर्नाकुलर ट्रांसलेशन. और मैं अक्सर अंग्रेजी से वहां की स्थानीय भाषा के अनुवाद के साथ में इन बातों का प्रचार और शिक्षा देता आया हूं. बट नाउ गॉड हैज गाइडेड मी टू मेक दिस लेसन्स अवेलेबल टू यू डायरेक्टली इन हिंदी. परंतु अब परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया है कि मैं इन पाठों को सीधे आपके लिए हिंदी में ला सकूं. बट आई कैन नॉट स्पीक हिंदी. परंतु मैं हिंदी बोल नहीं पाता हूं. बट आई हैव माई फ्रेंड हियर मिस्टर सुधांशु खडाम हु विल टीच दिस लेसन्स टू यू ऑन माई बिहाफ इन हिंदी. परंतु यहां मेरे साथ में मेरे मित्र भाई सुधांशु कदम है जो मेरे बदले आपको इन्हीं पाठों को हिंदी में सिखाएंगे. हियर इज ब्रदर सुधांशु खडाम. स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है. परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि हम इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा अपने जीवन में लगातार सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं. बीते 7 सप्ताह से हमारा मनन का विषय रहा है योजनाएं बनाना, प्लानिंग. प्रियो, संभव है कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य बहुत अच्छा रखा है, लेकिन फिर भी यदि हम योजना बनाने में कहीं फीके पड़ जाते हैं, कहीं कुछ छोटी सी गलती हो जाती है, तो आगे चलकर के हम अपने जीवन में सर्वोत्तम को प्राप्त नहीं कर पाते हैं. एक सही समय पर सही निर्णय लेना बहुत जरूरी हो जाता है. योजनाएं बनाना यूं तो लोगों को लगता है खेल है, लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि योजनाएं बनाना और निर्णय लेना वास्तव में एक बेहद कठिन बात है और इसे कसरत में अभ्यास करते हुए सीखना है या परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख अपने घुटनों पर आकर के इन बातों को सीखना पड़ता है. बेशक हम लोग कई बार अपने जिंदगी के राह में चौराहा महसूस करते हैं और ऐसे कई जगह पर हमको निर्णय लेने पड़ते हैं कि अब हम क्या करें, और राह में कई बार चौराहों पर आकर के खड़े हो जाते हैं जिंदगी के, और फिर मुसीबत होती है कि अब क्या निर्णय लें. ऐसे समय में हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेने की जरूरत है. इस बाइबल अध्ययन माला के इस भाग में जो इन दिनों में हम कर रहे हैं, योजना बनाते समय हमसे क्या क्या गलतियां हो सकती है उससे बचने के उपाय भी आपको मिलेंगे. हम मनन कर रहे हैं योजना कैसे न बनाएं, हाउ नॉट टू प्लान,
और अब तक हम लोगों ने इस विषय को लेकर के 7 पाठ सीख चुके हैं. अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 7 लेसन्स अंडर हाउ नॉट टू प्लान. लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट इग्नोर द जनरल बाइबल टीचिंग्स. पहला पाठ था कि बाइबल की सामान्य शिक्षाओं की उपेक्षा न करें. लेसन नंबर 2 डू नॉट प्रे जस्ट फॉर गॉड्स एंडोर्समेंट ऑन योर प्लान. प्रार्थना केवल इसीलिए न करें कि परमेश्वर आपकी योजनाओं के लिए हां कर दे. लेसन नंबर 3 डू नॉट बी लाइक द हॉर्स और द डोंकी. तीसरा पाठ था कि घोड़े या गधे की तरह न बने. लेसन नंबर 4 डू नॉट डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ और सब्सटेंस. चौथा पाठ था कि अपनी सामर्थ्य अथवा अपनी उपलब्धियों पर निर्भर न रहें. लेसन नंबर 5 डू नॉट वेट फॉर ऑल क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. पांचवा पाठ था कि सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने तक रुके न रहें. लेसन नंबर 6 डू नॉट डिस्पाइज क्लोज्ड डोर्स. छठवां पाठ था कि बंद दरवाजों का तिरस्कार न करें. लास्ट वीक वी स्टडीड द 7th लेसन एंड दैट वाज डू नॉट ओवर कंसल्ट पीपल. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 7वां पाठ सीखा था और वो हमें यह सिखाता है कि लोगों से अत्यधिक परामर्श न लें. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 8th लेसन अंडर हाउ नॉट टू प्लान. योजना कैसे न बनाए, इसके अंतर्गत आज हम लोग 8वां पाठ सीखने जा रहे हैं. लेसन नंबर 8 डू नॉट बाईपास कॉमन सेंस. 8वां पाठ है व्यावहारिक बुद्धि की उपेक्षा न करें. आई रिपीट, हाउ नॉट टू प्लान. लेसन नंबर 8 डू नॉट बाईपास कॉमन सेंस. योजना कैसे न बनाए, 8वां पाठ व्यावहारिक बुद्धि की उपेक्षा न करें. एक बड़ी विचित्र और दुख की बात यह है कि साधारण बुद्धि या व्यावहारिक बुद्धि इन दिनों में दिखती ही कम है. कॉमन सेंस इन दिनों में बेहद अनकॉमन हो गई है. किसी ने कहा है कि यदि व्यवहारिक बुद्धि से काम चल जाता है तो फिर बाद में दूसरी बुद्धि की खोज में मत निकल जाना. परमेश्वर ने हम सबको यह साधारण बुद्धि प्रदान की है. मैं मसीही विश्वासियों के बीच में एक गलत धारणा को देखता हूं जो बहुप्रचलित है, और लोग ऐसा कहने लगे हैं कि यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु क्रिस्त को दे दिया है तो अब आगे को आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के हाथ में सब दे दो. लेकिन प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाती है. हमें अपने सोच विचार, अपनी साधारण बुद्धि, अपने ज्ञान और अपने समझ को लेकर के चलने के लिए बाइबल सिखाती है. मेरे साथ में आप भी खोलिएगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसका 12वां अध्याय और उसका 2रा वचन. और यहां पर हम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा के बारे में मालूम कर रहे हैं. और इसको मालूम करने के लिए क्या करना है, वचन कहता है इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए. तो प्रियो, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि हमको अपने मन को नाश नहीं करना है परंतु अपने मन को नया करना है. और नए मन में, इस नए जन प्राप्त व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक नए मन को उत्पन्न करता है और उस नए मन के अंदर विचारों को परमेश्वर पवित्र रखता है. और इस नए मन में जो विचार आते हैं, जो निर्णय आते हैं, जो युक्तियां आती हैं, वो परमेश्वर की ओर से आती हैं, उसे बंद ना रखें. जब हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो मैंने अभी आपसे कहा है वो हमें स्पर्श करता है, वरन हमारे मन को स्पर्श करता है, हमारी बुद्धि को स्पर्श करता है, हमारे कॉमन सेंस को स्पर्श करता है और उसे शुद्ध करता है. प्रियो, परमेश्वर ने व्यवहारिक बुद्धि
हर एक को प्रदान की है और मैं ये मानता हूं कि मानव जाति में सब को प्रदान की है, कोई भी व्यक्ति उससे छूटा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर ख्रिस्तीय है तो उसके पास भी कॉमन सेंस है, कोई व्यक्ति गैर मसीही है, ख्रिस्तीय नहीं भी है तो भी परमेश्वर ने उसे यह साधारण बुद्धि दी है। कोई बाइबल पढ़ता हो कि ना पढ़ता हो, परमेश्वर ने उसे यह विवेक दिया है। कोई परमेश्वर के पीछे चलने वाला हो या अधर्मी प्रकार का व्यक्ति हो, परमेश्वर ने हरेक व्यक्ति को यह कॉमन सेंस दे करके रखा है और जरूरी है कि हम उसका उपयोग करें। मैं आपको रोमियो की पत्री और उसके दूसरे अध्याय के 14वें वचन में से बताता हूं कि परमेश्वर ने हरेक को यह साधारण बुद्धि दी है। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था अन्य जातियों के पास में नहीं है, वे स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने आप के लिए व्यवस्था बन गए। वे व्यवस्था की बातें अपने हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। इन दो वचनों में मैं देखता हूं कि कुछ शब्द हैं जैसे स्वभाव, हृदय, विवेक और विचार, ये सारी बातें मिलकर ही उस साधारण बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं, कॉमन सेंस जो सबको प्राप्त है, जिसके द्वारा हम सही और गलत का भेद कर पाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के बगैर भी हम ये देख रहे हैं कि मनुष्यों को वो वाली समझदारी है कि सही बात का चुनाव कर ले। मैं आपको यिर्मयाह नबी की पुस्तक में ले चलता हूं और उसके 49वें अध्याय के 7वें वचन को देखिए। यहां पर परमेश्वर उदास है, परमेश्वर निराश है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों ने अपनी साधारण बुद्धि का भी उपयोग करना बंद कर दिया। एदोम के विषय, सेनाओं का यहोवा यों कहता है कि क्या तेमान में अब भी कुछ बुद्धि नहीं? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही? परमेश्वर हमसे अपेक्षा करता है कि जो बुद्धि मैंने तुम्हें दी है, जो विवेक तुमको दिया है, जो ज्ञान तुमको दिया है, उसका सदुपयोग करो, उसको बंद रख करके नहीं बैठना है। यदि हम अपनी व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग नहीं करेंगे तो हम निरर्थक प्रकार की परंपराओं से लिप्त हो जाएंगे, निरर्थक प्रकार के रीति रिवाजों में और निरर्थक प्रथाओं से अपने आप को बांध लेंगे और उनके गुलाम बनकर करके रह जाएंगे। यशाया नबी की पुस्तक को खोलिए और उसके 5वें अध्याय के 13वें वचन में देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर यहां पर यह कह रहा है कि अज्ञानता के कारण ही मेरी प्रजा बंधुआई में चली जा रही है। वे उस बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे, वे उस ज्ञान का जो उन्हें होना चाहिए उपयोग नहीं कर रहे, अपनी साधारण बुद्धि भी काम में नहीं ला रहे हैं, इसीलिए गुलामी में चले जाते हैं, बंधुआई में चले जाते हैं। होशे नबी ने भी इसी बात को कहा है 4 अध्याय के 6 वचन में कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख रहे हैं और इसके कारण वे लोग नाश हो रहे हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु लोगों से बातें करते थे तब वे बार बार लोगों को अपने इस कॉमन सेंस को उपयोग में लाने के लिए बोला करते थे। वे चाहते थे कि लोग अपने व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग करें। सुसमाचार में आइए, खोलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय में यहां पर प्रभु यीशु एक दृष्टांत सुना रहे हैं। अब दृष्टांत भी वास्तव में एक छोटी सी कहानी होती है जिसके जरिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य की बड़ी बड़ी बातों को बता रहे हैं, तो जाहिर है आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो वे आरंभ भी ऐसे ही करते हैं, तुम क्या सोचते हो? विचार करना है, अपनी बुद्धि को काम में लाना है, क्या सोचते हो? यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हैं और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वह 99 को एक अच्छी जगह में छोड़कर
पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा। मनुष्यों के सामने एक परिस्थिति को रख करके यीशु चाहते हैं कि वे लोग मंथन करें, वे ढूंढें, वो अपने बुद्धि को काम में लेकर के आए। उसी तरह से मत्ती रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 28वें वचन में देखिए, तुम क्या सोचते हो। यहां पर फिर एक बार दृष्टांत बता रहे हैं, किसी मनुष्य के दो बेटे थे और उसने पहले बेटे से जाकर के कहा कि जा बारी में काम कर। और आप जानते हैं दो बेटों में से एक कहता है हां पिताजी जाऊंगा और नहीं जाता, एक कहता है नहीं नहीं जा सकता, बाद में पछताता है और जाता है। दृष्टांत इस प्रकार से तो आगे बढ़ता है, लेकिन प्रभु यीशु इस दृष्टांत का आरंभ इन शब्दों से करते हैं कि तुम क्या सोचते हो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सोचें, हम बाइबल की बातों को लेकर के सोचें, इन दृष्टांतों को, इन उदाहरणों को लेकर के सोचें, अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को लेकर के सोचें और अपने उस साधारण बुद्धि का उपयोग करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त साधारण बुद्धि का उपयोग लाने के लिए कहते हैं, उसी प्रकार से मैं देखता हूं कि प्रेरितों ने भी व्यवहारिक बुद्धि के विषय में कहा है। पौलुस प्रेरित का, अगर आप पहला कुरंथी खोलें और उसके 11वें अध्याय में और उसके 14वें वचन में क्या लिखा है, क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए यह अपमान की बात है। अब लोगों में कभी कभी छोटे छोटे प्रश्नों की भी बात चल उठती है कि लड़कों ने लंबे लंबे बाल रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, तो पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कॉमन सेंस काम में लाओ। परमेश्वर ने जो साधारण बुद्धि आपको दी है, जो व्यवहारिक बुद्धि आपको मिली है, उस पर थोड़ा सा तो सोच लो कि क्या यह सही बात है जो हम कर रहे हैं। पौलुस प्रेरित अपने मिशनरी यात्राओं में जब निकलते थे तब भी अपनी साधारण बुद्धि के द्वारा बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें करते हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री और उसके दूसरे अध्याय में आपको लेकर के चलना चाहता हूं और उसके 19वें वचन से लेकर आगे हम धीरे धीरे देखते हैं। यहां पर पौलुस प्रेरित अपने इस साधारण बुद्धि के द्वारा एक तार्किक मार्गदर्शन दे रहे हैं हमको और कैसे करके वो निर्णय लेते हैं, उन बातों को हम लोग इन वचनों के द्वारा देखते हैं। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। वे एक निर्णय लेते हैं कि उनके पास में मुझे किसी को भेजना है तो किसको भेजूं, तिमोथियुस को भेजूं। क्यों भेजूं, तिमोथियुस को ही क्यों? दूसरे वचन में लिखा है क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। तो उसने सारे लोगों में से तिमोथियुस को क्यों चुना, उसका उत्तर उसने लिखा साधारण बुद्धि, कॉमन सेंस। और दूसरों को क्यों नहीं भेज रहा है, उसका कारण भी वहां पर लिख रहा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं ना कि यीशु मसीह की। और ऐसा वो क्यों कह रहा है, उसको तो तुमने परखा है और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ में रहता है वैसा ही उसने सुसमाचार फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया है। तिमोथियुस के बारे में इस बात को स्पष्ट करता है और उसके बाद में 23वें वचन में वो अपना एक निष्कर्ष बता रहा है और वो यूं कहता है, इसीलिए मुझे आशा है कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। पौलुस प्रेरित कठिन बातों में भी अपनी साधारण बुद्धि का उपयोग लेकर के चल रहे हैं, अपने कॉमन सेंस को काम में ला रहे हैं, वरन इन बातों को लिख करके हमें सिखा रहे हैं और वे चाहते हैं कि इन बातों को हम अपने जीवन में किया करें। प्रियो, मैं व्यवहारिक बुद्धि से जुड़ी हुई कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। उदाहरण के लिए आपके मन में ऐसे प्रश्न उठते होंगे कि आपने ये तो कह दिया कि साधारण बुद्धि परमेश्वर ने हमको दिया है, पर मुझे लगता है कि शायद मुझे नहीं प्राप्त है क्योंकि लोग मुझको बुद्धू कहते हैं और मूर्ख कह देते हैं और मैं बार बार काम में गलती करता हूं। यदि आप अपने उस साधारण बुद्धि को जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसको बढ़ाना चाहते हो,
उसको सिद्ध करना चाहते हो, उसको निखारना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ सलाह देना चाहता हूं। और वो इस प्रकार से है, परमेश्वर से, पहला कदम है परमेश्वर से मांगिए, परमेश्वर से प्रार्थना करके उस साधारण बुद्धि को मांगिए। याकूब की पत्री में आइए और उसके पहले अध्याय के ही आरंभ में आपको ले चलता हूं। याकूब की पत्री में आपको प्रार्थना के बहुत सारे उदाहरण प्राप्त होंगे और याकूब खुद भी प्रार्थना करने वाला प्रेरित कहा जाता है। और जब वो अपनी पत्री में पहली बार प्रार्थना के विषय में कह रहा है, तब इन शब्दों में कह रहा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। कितने स्पष्ट और सरल शब्द हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास में बुद्धि नहीं है, तो प्रभु का जन कह रहा है तो परमेश्वर से मांगे। और प्रियो, परमेश्वर से मांगने में आपको कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, यह कोई लज्जा की बात नहीं है, यह बाइबल का आदेश समझ करके लीजिए। यदि आप समझते हैं कि आप बुद्धि में कम है तो परमेश्वर से मांगिए। आगे लिखा है, जो बिना उलाहना के सबको उदारता से देता है। शब्द पर गौर करिएगा, बिना उलाहना किए हुए दे रहा है, सबको दे रहा है और उदारता से दे रहा है। आपके ऊपर कोई डांट डपट नहीं लगा देगा, वो आपसे पूछेगा नहीं आप कौन हो। लिखा है सबको देता है, कितना चाहिए क्या चाहिए नाप तौल के नहीं, उदारता से देगा, भरपूर देगा। ये परमेश्वर का वायदा है। और यदि आप इस बात का एक पूरक वचन चाहते हैं तो मैं आपको इतिहास की पुस्तक में ले चलता हूं। दूसरे इतिहास के पहले अध्याय में मैं पाता हूं कि दाऊद राजा का जो बेटा है वह परमेश्वर के सामने परमेश्वर से कुछ मांगता है। और क्या मांगता है आपको मालूम है? वो पैसा नहीं मांग रहा, वो राजा है, वो अपने लिए युद्ध की नई नई नीतियां नहीं मांग रहा है, परंतु परमेश्वर के सामने केवल एक बात मांग रहा, एक राजा मांग रहा है। और देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी, ना ऐश्वर्य मांगा और ना ही बैरियों का प्राण मांगा, दुश्मनों का भी नाश नहीं मांगा उसने, और ना ही दीर्घायु मांगी, परंतु केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। राजा सुलेमान ने एक सरल सी प्रार्थना की। और राजा सुलेमान अगर बुद्धि मांग सकता है परमेश्वर से, तो हम भी क्यों ना मांगे, ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर सके, उसकी प्रजा का अच्छा मार्गदर्शन कर सके। देखिए परमेश्वर इस प्रार्थना के उत्तर में सुलेमान को क्या उत्तर देता है, इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। परमेश्वर के सामने बड़ी नम्रता पूर्वक आकर के राजा ने बुद्धि को मांग लिया। मैं यही सलाह आपको भी दे रहा हूं, यदि आपको लगता है मुझको कम मिला है, बुद्धि मेरी कम है, तो परमेश्वर से मांगिए, वो आपको देगा, बिना उलाहना देगा, सबको देगा और उदारता से देगा। और यह बात केवल आत्मिक बातों में ही नहीं, हम लोगों को परमेश्वर जो बातें दे रहा है ये हमको रोजमर्रा के जीवन के लिए भी देता है। यशायाह नबी की पुस्तक को निकालिएगा और उसके 28वें वचन में आइए और यहां पर लिखा है, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। यदि आप जवान हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप नौकरी पर हैं, तो परमेश्वर आपकी पढ़ाई करने में, आपके कार्य में, चाहे आप किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, चाहे आप एक इंजीनियर हो, चाहे आप एक किसान हो, परमेश्वर आपको सिखा सकता है, आपको बुद्धि दे सकता है। यहां पर लिखा है परमेश्वर ठीक ठीक काम करना सिखलाता है और बतलाता है। 27वें वचन से आगे गौर से सुनिएगा, दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती, गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है,
रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता। प्रभु परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि भी प्रदान करता है जिससे हमारे रोज के जीवन में काम आ जाए, जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं ऐसी बातों को भी परमेश्वर हमें सिखाता है। तो इस भ्रम में न रहिए कि केवल स्वर्ग की बातों में, केवल आत्मिक बातों में परमेश्वर बुद्धि देगा। आप जिस काम को कर रहे हैं, आप जैसा भी काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपको उसमें निपुण कर देता है, क्योंकि आगे लिखा है, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति करने वाला और महा बुद्धिमान परमेश्वर है। अत्यंत बुद्धिमान और उतना ही प्रेम करने वाला वो हमको देने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात जो आपको करना है वो ये है कि आपको बाइबल पढ़ना है। आप जो अपने साधारण बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, मैं आपको सलाह देता हूं कि प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, वरन प्रतिदिन बाइबल का मनन करें, उसका अध्ययन करें, और उसमें भी जो ज्ञान की पुस्तकें हैं बाइबल में उनको ज्यादा पढ़ा करें। अय्यूब की पुस्तक ज्ञान की पुस्तक है, भजन संहिता की पुस्तक भी ज्ञान की पुस्तक है, खास करके नीति वचन और सबोपदेशक। इन चारों पुस्तकों को आप बार 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 पढ़ते रहेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर आपको बुद्धिमानी की बातों में बड़ी तेजी से बढ़ाता जाएगा। और इसमें भी मैं चाहता हूं कि नीति वचन की पुस्तक में 31 जो अध्याय दिए गए हैं महीने में पूरा कर सकते हैं यदि आप प्रतिदिन एक अध्याय पढ़ें। आप एक महीने में उसे पूरा करेंगे, अगले महीने की एक तारीख को फिर से शुरू करिए और नीति वचन की पुस्तक को इस प्रकार से रोज 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 पढ़ते रहें। मैं आपको नीति वचन की पुस्तक के आरंभ के कुछ शब्द सुनाना चाहता हूं। आप जानते हैं नीति वचन का आरंभ भी ऐसे होता है कि इसको पढ़ने वाला बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करेगा और समझ की बातें लेगा और काम में वो प्रवीण हो जाएगा। आपको आगे के शब्द सुनाना चाहता हूं, शायद आपने कभी गौर न किया हो। चौथा वचन कि भोलों को चतुराई का और जवान को ज्ञान और विवेक मिले और बुद्धिमान सुन करके अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। नीति वचन में भोले लोग जो हैं, जिनके पास में बुद्धि नहीं है, परमेश्वर उनको भी चतुर बना देगा। फिर बाद में लिखा है कि जो जवान है, जो बहुत सारा नहीं जानते हैं, उनको ज्ञान दे रहा और विवेक भी दे रहा। फिर बुद्धिमान जिनको थोड़ा बहुत मालूम है उन लोगों की भी विद्या बढ़ा रहा है, और जो समझदार हैं जिनको बहुत कुछ पहले से आता है उनको भी बुद्धि के उपदेश इसमें से प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब सब प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर के इन वचनों में से कुछ है जो उसको प्राप्त हो सकता है। मैं आपको दूसरे अध्याय के 11वें वचन में से भी बताना चाहता हूं, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक हो जाएगी। और परमेश्वर से जब हम बुद्धि मांग लेते हैं, जब हम ये प्रभेद की बातें मांग लेते हैं, तब हम परखने वाले भी बन जाते हैं। हमें समझ में आ जाता है क्या सही क्या गलत, और इस प्रकार से हम सही के मार्ग पर रह सकते हैं। और इसी बात को मैंने तो ये पाया है कि परखना वास्तव में एक आत्मिक वरदान भी है। आत्मिक वरदानों की सूची में आप देखेंगे तो वहां आत्माओं की परख भी लिखी हुई है और आपको जानने के लिए भी मिल जाता है। जैसे इब्रानियों की पुस्तक के 5वें अध्याय में लिखा है कि अभ्यास करते करते सही और गलत के भेद अब हमने सीख लिया है। अब हम लोग बच्चे नहीं रहे, अब हम लोग परिपक्व हो रहे हैं। कैसे? अब हमको सही और गलत का ज्ञान होने लगा है। तो जैसे पहला कुरंथियों उसके 12वें अध्याय में लिखा है, ये वरदान है जो परमेश्वर देता है, तो मैं चाहता हूं इस वरदान को परमेश्वर से आप मांग लीजिए और परमेश्वर के राहों पर बने रहिए। अपने जीवन में जो परमेश्वर ने कॉमन सेंस दिया है, साधारण बुद्धि आपको प्रदान किया है, उसको एक तरफ न रखें परंतु उसका उपयोग करें। हाउ नॉट टू प्लान, योजना कैसे न बनाएं। डू नॉट बाईपास कॉमन सेंस, व्यवहारिक बुद्धि की उपेक्षा न करें। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे।